वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्या दिखाऊंगी मैं आज की वीडियो में? साउंड आ रहा है ना बाहर से, है ना? तो ये एक्चुअली हमारे घर के बिल्कुल ही सामने एक वेडिंग इवेंट हो रहा है जिसमें हम लोगों का भी इनवाइट है, तो हम लोग भी वहां पर जाएंगे। लेकिन जाने के पहले हम लोग कैसे मैं और मेरी बेटी अपने आप को तैयार करते हैं, कौन कौन सा क्या क्या ड्रेस पहनते हैं और कहाँ से वो सब ड्रेस हमने खरीदा है, ये सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। और ये वीडियो एक्चुअली एक ब्लॉग काइंड सा मैं बनाना चाहती हूँ, देखते हैं कर पाती हूँ कि नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोगों का बंगाली वेडिंग्स कुछ अलग तरीके से ही होता है। तो मैं कोशिश करूंगी वेडिंग का हर पार्ट इस वीडियो में लाने के लिए। अगर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो ये मैं टू पार्ट में आप लोगों के पास लाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी लाने की। तो आज की रात मैं क्या पहनने वाली हूँ? मैंने डिसाइड किया है मैं एक ब्लू कलर का साड़ी पहनूंगी। तो ये है वो वाला साड़ी जो मैं पहन के भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए, ये साड़ी में पूरा मोती का काम किया हुआ है। ये साड़ी को मैंने मीशो से खरीदा है। आप मीशो के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीशो का लिंक दे दूंगी। अगर उस लिंक में जाकर आप मीशो ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को फ्लैट 30% डिस्काउंट मिलेगा अपने फर्स्ट परचेज में। और उसके साथ साथ मीशो में लिंक नहीं होता है, ये भी आप लोगों को पता है। तो मैं इस साड़ी का कोड भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि अगर आपको पसंद आए तो आप भी मीशो से ये वाला साड़ी खरीद पाए। आज मैंने सोचा है कि हम कुछ ब्लू कलर का ट्यूनिंग करेंगे, तो मेरी बेटी भी एक ब्लू कलर का स्कर्ट पहन रही है। तो मेरी बेटी का वो ब्लू कलर का स्कर्ट मैंने मीशो से ही खरीदी है। वो एक ब्लू कलर का, ये देखिए, ये वाला ब्रोकेट का स्कर्ट है। ये सिर्फ ये स्कर्ट ही मिलता है वहां से, यहाँ इसके साथ कोई टॉप नहीं है। तो मैं इसका भी कोड नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये है वो स्कर्ट, और उसके साथ इसके साथ वो पेयर अप करेगी ये वाला ब्लैक शॉर्ट टॉप जिसको मैंने एबीबी से खरीदी है। और उसके साथ साथ मेकअप भी, जो मैं आज मेकअप पैलेट यूज करूंगी उसको भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये है हिलोरी रोडा का मेकअप पैलेट जो मैंने एक्चुअली अमेजोन से खरीदी है। 645 रुपीज इसका प्राइस है। तो आप भी वहां से ये खरीद सकते हैं। इस पैलेट में एक्चुअली सब कुछ है। मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इस पैलेट के सहायता से शायद मैं अपने आप को रेडी कर पाऊंगी। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, तो अभी तैयार होने का टाइम है, मिलते हैं तैयार होने के बाद।
for the wedding ceremony. Let's go to the wedding venue. As I have told you before that this is a Bengali wedding. तो मैं हमारी बंगाली वेडिंग्स का कुछ ग्लिम्स आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। ये है वेन्यू, फुल्ली डेकोरेटेड विथ लाइट्स, फ्लावर्स एंड एवरीथिंग। और ये है वो मेन प्लेस जहाँ पर शादी होगी। एंड शी इज़ आवर ब्राइड, वाओ, शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, इज़न्ट इट। और ये है ग्रूम। बंगाली वेडिंग में हम ब्राइड और ग्रूम को इसी तरह से सजाते हैं। ये है खाने के जगह जहाँ पर सब डिलीशियस फूड्स का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्राइड ग्रूम की चारों तरफ 7 times घूमेगा और फ्लावर देगा, वही रिचुअल यहाँ पर हो रहा है। बंगाली ब्राइड अपने आंखों के सामने पान के पत्ते को पकड़ते हैं इस तरह से। बहुत ही खूबसूरत सा रिचुअल है ये। इसके बाद शुभ दृष्टि होगा, जिसका मतलब है इस शुभ दृष्टि में ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये भी वेडिंग रिचुअल का ही एक पार्ट है। बहुत ही एंजॉयबल मोमेंट है ये, बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद होगा माला बदल, हम लोग बंगाली में बोलते हैं माला बदल। इसका मतलब है जो ब्राइड और ग्रूम है एक दूसरे की गार्लैंड्स को वो एक्सचेंज करेंगे। गार्लैंड एक्सचेंज के बाद ही शादी कंप्लीट होता है, ऐसा बोला जाता है हमारे बंगाली वेडिंग में। और ये जो 3 rituals के बारे में हम लोग मैंने आप लोगों को बताया, दीज 3 rituals आर द मेन पार्ट्स ऑफ द बंगाली वेडिंग। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैंने इस वीडियो में जो यहाँ पर इस वेडिंग में जो म्यूज़िक इस्तेमाल किया गया है उसको मैंने इंटैक्ट रखा है, ताकि आप लोगों को इस वेडिंग का फ्लेवर मिल सके। बहुत ही खूबसूरती से हर एक इवेंट को किया गया है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। गार्लैंड एक्सचेंज 7 times होता है, ब्राइड ग्रूम को 7 times गार्लैंड पहनाएगा और ग्रूम भी ब्राइड को 7 times ही गार्लैंड पहनाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। स्पेशली ये बंगाली वेडिंग आप सब लोगों को कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए। वीडियो को अच्छा लगा तो ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। और गाइस, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल टू सी मोर सच टाइप ऑफ वीडियोज। एक एक वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है गाइस, और आप लोगों की रिस्पॉन्स मुझे मोटिवेट करेगा और भी मेहनत करने के लिए और भी अच्छा वीडियो आप लोगों के पास लाने के लिए। इन फ्यूचर और भी आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि मैं इस वीडियो को एक ब्लॉग जैसा बनाऊंगी, और उसमें अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो मैं उसको 2 parts में आप लोगों के पास लाऊंगी। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि अगर मैं हर इवेंट को कवर करने जाऊंगी तो वो सब आप लोगों के लिए बहुत बोरिंग सा हो जाएगा, इसलिए जो 3 main parts है बंगाली वेडिंग का वही 3 main parts को ही मैंने कवर किया है, और इसलिए वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है और एक ही पार्ट में मैं आप लोगों के पास इस वीडियो को ला पा रही हूँ। आप सब लोग प्रे कीजिए कि इनका जोड़ी हमेशा सलामत रहे और सुख और दुख में ये हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहे।